80 से 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा इस वक्त सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। मंगलवार की सुबह गोविंदा अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे और इस दौरान उनके रिवॉल्वर से गोली चली और उनके पैर के अंगूठे में लग गई। हालांकि गोविंदा ठीक हैं और फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। गोविंदा की हेल्थ अपडेट पर सभी की नजरें हैं, लेकिन हम एक्टर से जुड़ा 28 साल पुराना एक किस्सा बताने जा रहे हैं जब उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। गोविंदा लंबे समय से बड़े पर्दे से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन राजनीति में वो वापसी कर चुके हैं। गोविंदा कई दफा ये कह चुके हैं कि उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। एक्टर को आज भी फिल्में ऑफर होती रहती हैं, लेकिन अभी उन्होंने बड़े पर्दे पर वापस लौटने का मन नहीं बनाया है। दरअसल साल 1994 में गोविंदा की एक फिल्म आई थी जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत कर सभी को हैरान कर दिया था। ये फिल्म खुद्दार थी। 28 साल पहले इस फिल्म को देखने के बाद हर कोई गोविंदा को सलाम ठोकने लगा था। खुद्दार का बजट 1.95 करोड़ के करीब था, लेकिन जब ये पिक्चर रिलीज हुई तो कमाई के मामले में इसने सबकी बोलती बंद कर दी। गोविंदा की इस पिक्चर ने 8.44 करोड़ का कारोबार किया था, लेकिन फिल्म के सेट पर एक हादसा हो गया था जिसके शिकार गोविंदा हो गए थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा का एक्सीडेंट हो गया था और एक्टर काफी घायल भी हो गए थे। उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने को कहा था। मिली जानकारी के मुताबिक गोविंदा ने डॉक्टर की एक नहीं सुनी और फिल्म के सेट पर फिर से शूटिंग करने पहुंच गए। माना जाता है कि एक सीन के दौरान गोविंदा ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और गोविंदा ने डॉक्टर की बात को सुनने के बजाय फिल्म की शूटिंग को वक्त पर पूरा किया। गोविंदा की मेहनत और लगन को देखकर हर कोई हैरान था। अभी बात तो हर कोई जानता है कि गोविंदा अपने दौर के सबसे बिजी रहने वाले एक्टर्स में से एक थे और उनकी फिल्में साल भर थिएटर में दस्तक देती रहती थी। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।